भी ये मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे अवसर पर हूँ, यहाँ उपस्थित हूँ। होली प्रेम सद्भाव का पर्व है और रामपुर के किले में इसको उसी सद्भाव के साथ, उसी प्रेम के साथ मनाया जा रहा है। रामपुर से पूरे देश को एक बेहतर संदेश दिया जा रहा है। बड़े ही अच्छे माहौल में लोग मना रहे हैं और लोग इकट्ठे हैं यहाँ पर बिना झिझक के, बिना किसी संकोच के, और यही होली के पर्व की सार्थकता है। पूरे देश को एक बहुत बेहतरीन मैसेज है, बहुत बेहतरीन संदेश है और मैं कामना करता हूँ कि ये निरंतर बनता रहे। सर, रजा राय वैली में आपका काफ़ी सहयोग रहा, आपने काफ़ी मेहनत की थी और लोग यहाँ पे आप जो आ जा रहे हैं और डीएम साहब भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सहयोग जो है आपका काफ़ी रहा। मैं देखिए, रजा लाइब्रेरी हमारी पहचान है, ये सिर्फ एकेडमी की नहीं, हमारी कल्चर की। रजा लाइब्रेरी अपने आप में एक इतिहास है और इसको बेहतर करने के प्रयास हो रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से हम लोग इस पर डीएम साहब भी और पूरा प्रशासन सहित रजा लाइब्रेरी के सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, और बहुत जल्दी इसका स्वरूप बहुत बेहतर और अपने पुराने स्वरूप में आता हुआ दिखेगा। देखिए, आज बहुत ऐतिहासिक दिन है, होली का त्यौहार है और सबको मिलजुल कर, पूरे समाज ने, तो किसी भी समाज का व्यक्ति हो, आज इस किले में एक ऐतिहासिक मेला रहता है और ये बहुत पुराना रिवाज है जिसमें सब लोग आते हैं और सब लोग आपस में भाईचारे के नाते सबसे गले मिलते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो त्यौहार है, सबको आपस में मिलाने का त्यौहार है, खुशियाँ का त्यौहार है, और होली मतलब होली, जो होली आए उसको आगे होली मनाने का त्यौहार है और सब लोग, सब समाज इसको मिलकर मना रहा है, बहुत खुशियों का त्यौहार। मैं ऐसे ही कहूँगा कि भगवान सबको इस ऐसे त्यौहार लाए और सब आपस में मिलजुल कर काम